ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಈ ಸಮಯನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಸಹೋದರವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಯ ಭೀಮ್ ಜಯ ಭೀಮ್ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಲಾರ ಮೇ आयुर्वेद स्टेट टेक्निकल कैंप में मंच पर विराजमान बहुत ही सक्रिय लीडर अभी एक पार्टी ने उन्हें एडवेंचर बनाया है आदरणीय स्वामी जी और पाली होता है उनको अभिनंदन है जो ये पाली होता है ये भी योग होता है इसको जितना बजाते हैं उतना शरीर मस्त रहता है बहुत जगह पर हमें काम करना पड़ता है एससी के बीच में से समाज के बीच में से आने वाले प्रश्नों का समाधान करना पड़ता है और इसलिए हम में से बहुत कार्यकर्ता बाबा साहब बाबा साहब अम्बेडकर का दिल्ली में
मसीह होगा। 26 नवंबर को गवर्नमेंट रही, उसने ये सब नहीं किया, लेकिन ये सब 8 साल के नरेंद्र मोदी ने किया। हमारा दलित, हमारा आदिवासी, एससी एसटी, ये झोपड़ी में रहता था, उस झोपड़ी में रहने वाले गरीब को 3.5 करोड़ पक्के होम बनाकर देना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से नरेंद्र मोदी। एसटी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया, दलित रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया और उड़ीसा में रहने वाली बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है हम दलित विदेशी हैं, हम एससी एसटी विदेशी हैं, हम माइनॉरिटी विदेशी हैं, हम गरीब विदेशी हैं, हम देश विदेशी हैं। कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस एससी एसटी विरोधी है, कांग्रेस संविधान विरोधी है, कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक देश में एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर में 370 धारा बनाकर एक देश में दो संविधान कर दिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है एससी एसटी का नहीं मिला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीर संतोष जी जैकी नड्डा जी ने कहा एससी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते निकालिए एससी एसटी के अनुसंधान हीरो को हो जिन्होंने देश में अंतर्संबंधी खड़ा मेरा शिक्षा के लिए लोगों को पढ़ाने के लिए क्या काम किया है। कौन से एससी एसटी के लोग ऐसे हीरो हैं जिन्होंने देश में क्रांतिकारी कदम उठाया, जिन्होंने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए। कौन से ऐसे हमारे संत ऋषि मुनि हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका दी है। ये विषय आज मेरे पास है बहनों भाइयों में बता। तब रविदास जी आजकल अगर किसी को प्रलोभन दे दिया जाए तो धर्म परिवर्तन कर लो तो कर लेगा, किसी को दबाव डाल दिया जाए तो धर्म को छोड़ सकता है। लेकिन सिकंदर लोदी के सामने संत रविदास जूता बनाने वाले नहीं झुके और उन्होंने कहा संत रविदास जी ने देहू तुमसे सहा सत्य कह दे चोटी शिकार कबों नहीं त्यागू वस्त्र समेत देव त्यागू कल तक पालता करो कहारा चाहे दो सिंध मजारा। रविदास जी ने कहा मैं चोटी नहीं कर सकता, मैं धर्म